हेलो स्टूडेंट, आज हम एक न्यू टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल अर्थात इलिमिनेशन का ये नेक्स्ट पोर्शन है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो देखिएगा, आज के इस लेक्चर में हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का फॉर्मेशन क्या होता है। डिहाइड्रेशन, डी मतलब होता है रिमूव और हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर, वाटर का रिमूव होना अर्थात रिमूवल ऑफ H2OH, नॉन एच डिहाइड्रेशन अर्थात वो रिएक्शन जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होता है उसे हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। अब बात आती है सबके फर्स्ट रिएजेंट कि इस रिएक्शन के लिए हम कौन कौन से रिएजेंट यूज करते हैं, और ऑर्गेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि कोई भी रिएक्शन है तो उसका रिएजेंट हमें याद होना चाहिए। तो रिएजेंट्स में अगर हम बात करें तो हम यूज करते हैं कंसर्टेड H2SO4 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सेकेंड आपका है H3PO4 प्लस वही हीटिंग, ये दोनों आपके प्रोटिक एसिड है, ये दोनों आपके प्रोटिक एसिड है। थर्ड पर हम यूज करते हैं एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, फोर्थ पर हम यूज करते हैं Al2O3 एलुमिना, फिफ्थ पर POCl3 हीटिंग, और सिक्स पर P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ध्यान रखना ये दोनों आपके E1 का एग्जांपल है, और Al2O3 और POCl3 ये दोनों E2 के एग्जांपल है। कहने का मतलब AlCl3 की प्रेजेंस में नो रीअरेंजमेंट, Al2O3 की प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट नहीं होगा, और यहां पर आपका जो भी प्रोडक्ट होगा वो सेतजेब रूल के अकॉर्डिंग होगा। ऐसे ही POCl3 में भी आपका जो प्रोडक्ट होगा वो हाफमान रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो ध्यान रखना इस रिएक्शन में हम जो रिएजेंट है वो कंसर्टेड H2SO4, H3PO4, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, Al2O3, POCl3 और P2O5O को यूज करते हैं, और इलिमिनेशन के लिए हीटिंग, सभी में हीटिंग होना कंपलसरी है। अब बात आती है यहां से फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन यह है कि डिहाइड्रेशन के लिए हमें कंसर्टेड H2SO4 अर्थात एसिड की रिक्वायर्ड क्यों है, अर्थात प्रोटिक एसिड की रिक्वायर्ड क्यों है। तो क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा, क्वेश्चन यह है कि फॉर डिहाइड्रेशन एसिड कैटालिस्ट इज रिक्वायर्ड, वाई। कहने का मतलब यह है कि आपका जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है उसके लिए एसिड की रिक्वायर्ड क्यों है, यह हमारा क्वेश्चन है। तो उसका सिंपल सा रीजन है, उसका रीजन क्या होगा देखिएगा, ROH एल्कोहल में आपका जो OH ग्रुप होता है वो होता है पुअर लिविंग ग्रुप, अर्थात इसकी लिव एबिलिटी जो है वो बहुत ही लेस होती है। अगर इसकी लिविंग एबिलिटी बहुत लेस है तो ये इजीली रिमूव नहीं हो सकता, तो इसको इन प्रेजेंस ऑफ एसिड अर्थात प्रोटोन की प्रेजेंस में इसको प्रोटोन अपना लोन पे, मतलब ये अपना लोन पे प्रोटोन को देता है और प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। ये आपका हो गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल, और प्रोटोनेटेड अल्कोहल में ये जो वाटर है
ये होता है गुड लिविंग ग्रुप। तो ये गुड लिविंग ग्रुप है, जब ये गुड लिविंग ग्रुप हो गया तो यहां से ये इजीली रिमूव हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स के रूप में, और आपका आर जो कैटाइन है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो याद रखना फॉर डिहाइड्रेशन एसिड कैटालिट इज रिक्वायर्ड बाई, तो उसका रीजन एक ही है कि आपका OH ग्रुप जो होता है वो बेटर लिविंग ग्रुप नहीं होता, अर्थात हाइड्रोक्सी ग्रुप बेटर लिविंग ग्रुप नहीं होता, उसे एक बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए हम एसिड कैटालिस्ट को यूज करते हैं। जो एसिड कैटालिस्ट अपना प्रोटॉन्स को प्रोवाइड करके प्रोटोनेटेड एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, जिसमें आपका वाटर जो है ये H2O है, ये गुड लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। अब हम बात करते हैं यहां से इसकी मैकेनिज्म की, तो देखिएगा यहां पर हम यूज करेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और आपको बताइए एक बीटा इलिमिनेशन का एग्जांपल है जिस कार्बन पर OH उसे अल्फा, उसका नेक्स्ट कार्बन बीटा, ये दोनों यहां से रिमूव हो जाएंगे और आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा एल्कीन और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, इसी वजह से इसको हम डिहाइड्रेशन कह रहे हैं। चलो एग्जांपल के लिए, मैकेनिज्म के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने लिया है एथेनॉल और इस पर रिएक्शन कराई है कंसर्टेड H2SO4 का, प्रोडक्ट होगा एथीन और वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसके हम मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करेंगे। तो ध्यान दे, हमने यहां पर रिएक्टेंट लिया एथेनॉल, प्रोडक्ट आपका एल्कीन है। किस प्रकार से इस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा इसका मैकेनिज्म हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला डन इन टू थ्री स्टेप्स। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि बताइएगा इसका मैकेनिज्म कितने स्टेप्स में होगा, तो इसका मैकेनिज्म होगा थ्री स्टेप्स में। फर्स्ट स्टेप, स्टेप फर्स्ट, तो अभी हमने कहा था कि डिहाइड्रेशन के लिए हमें प्रोटिक एसिड की रिक्वायर्ड होती है। क्यों? क्योंकि OH पुअर लिविंग ग्रुप होता है और उसे एक बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए उसका प्रोटोनेशन किया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा, क्या? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, जो भी एल्कोहल आप यूज कर रहे हो उसका प्रोटोनेशन होना। तो देखिएगा, अभी हमने जो एल्कोहल यूज किया वो एथेनॉल है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये प्रोटोन, तो ये लोन पेयर इसके प्रोटोन को प्रोवाइड करेगा तो ये बन गया आपके पास प्रोटोनेटेड एल्कोहल, जिसको हम ऑक्जोनियम आयन भी बोलते हैं। ध्यान रखना ये OH आपका पुअर लिविंग ग्रुप था, जैसे इसका प्रोटोनेशन हुआ और ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन गया, अब ये हो गया गुड लिविंग ग्रुप। तो एक आपका पुअर लिविंग ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया फर्स्ट स्टेप के अंदर, और आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो फास्ट होता है। अब आता है स्टेप नंबर टू, इसके हम स्टेप नंबर टू की बात करते हैं। तो स्टेप नंबर जो टू है, स्टेप नंबर टू में होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्ब केटाइन, और ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों? क्योंकि ये इसका स्लो रेडियस स्टेप भी है। तो देखिएगा, आपका जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल है स्लो और आरडीएस है, रिवर्सिबल रिएक्शन भी है। तो यहां से ये लिविंग ग्रुप इस इलेक्ट्रॉन को लेकर रिमूव हो जाएगा, इसके फलस्वरूप इसके वाया आपके पास इंटरमीडिएट बनेगा जो कि कार्ब कैटाइन है, और वाटर मॉलिक्यूल्स लिविंग ग्रुप के रूप में रिमूव हो जाएगा। ये आपका सेकेंड स्टेप था जो स्लो आरडीएस था, और ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है इस रिएक्शन का। उसके बाद आता है स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड में क्या होता है, आपके जो ये बीटा हाइड्रोजन है उसका इलिमिनेशन होगा। तो यहां से होगा इलिमिनेशन ऑफ बीटा हाइड्रोजन, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ
एल्कीन अर्थात एल्कीन का फॉर्मेशन। तो देखिएगा यहां से CH2 CH2 प्लस, ये हाइड्रोजन आपका बीटा हाइड्रोजन है, यहां से ये बीटा हाइड्रोजन बेस हमने यूज किया था कंसेंट्रेटेड H2SO4। इस कंसेंट्रेटेड H2SO4 में आपका HSO4- ये कॉन्जुगेटेड बेस है, ये इस प्रोटोन को रिमूव करता है और बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाता है, इसके वाया एल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा और हमें H2SO4 वापस ऑप्टेन हो जाएगा। तो देखिएगा इस रिएक्शन में H2SO4 कैटालिस्ट है और वो हमें लास्ट रिएक्शन के अंदर वापस ऑप्टेन भी हो रहा है। तो ध्यान दें, डिहाइड्रेशन जो रिएक्शन है वो 3 स्टेप्स में होगा। फर्स्ट प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन और थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, जिसमें से आपका जो सेकंड स्टेप है वो स्लो आरडीएस है, जिसके अंदर इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो पूरा रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा? इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन पर डिपेंड करेगा। अब हम आगे इसका कुछ की पॉइंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिएगा इस रिएक्शन के लिए की पॉइंट, क्या-क्या की पॉइंट है हमें पता है, हमने सभी रिएक्शंस में की पॉइंट का एक ही रूल बनाया, फर्स्ट इंटरमीडिएट। तो सबसे फर्स्ट होगा इंटरमीडिएट और हमें पता है इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है वो क्या है, कार्ब कैटाइन, अर्थात इसके जो स्लो आरडीएस स्टेप है उसमें कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है तो हमें पता है रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, तो रीअरेंजमेंट मैं भी पॉसिबल, अगर इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन है तो यहां पर रीअरेंजमेंट भी होगा। पॉइंट नंबर थर्ड, अगर इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन है तो रिएक्टिविटी ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन की जो रिएक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन, अर्थात इस रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है वो कार्ब कैटाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगी, कि जितना स्टेबल कार्ब कैटाइन होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही फास्ट होगा। हमें पता है कि कार्ब कैटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर 3:1 होता है, तो यहां पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी क्या होगा, 3:1 होगा। तो देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट नंबर फोर, पॉइंट नंबर फोर है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन। तो बताइएगा डिहाइड्रेशन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री और सबके बाद में मेथेनॉल, जिसमें पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अगर बात करें हम नंबर फाइव, तो नंबर फाइव में अगर बात करें तो नंबर फाइव वो हो जाएगा रेट एक्सप्रेशन, कि रेट को किस प्रकार से एक्सप्रेशन करेंगे हम, तो उसके लिए देखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्ब कैटाइन, अर्थात डिहाइड्रेशन ऑफ एल्केन की जो रिएक्टिविटी है वो ओनली फॉर कार्ब कैटाइन पर ही डिपेंड करती है। तो इससे क्या सेंस है, इससे सेंस यह है कि इट इज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन, अर्थात ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन है और इसमें एक ही मॉलिक्यूल यूज होने की वजह से यूनि मॉलिक्यूलर भी है, यूनि मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। इसका मतलब यह हुआ कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल जो है वो इवन इलिमिनेशन का एग्जाम्पल है। ध्यान रखे डिहाइड्रेशन जो ऑफ एल्कोहल है वो आपके इवन इलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ध्यान दे हमने क्या की पॉइंट पढ़ा, पहला इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन है, अगर किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन होता तो वहां रीअरेंजमेंट होगा, अगर इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन है तो रिएक्टिविटी कार्ब कैटाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगी, और कार्ब कैटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमें पता है क्या होता है, 3:1, तो यहां पर रिएक्टिविटी ऑर्डर 3:1 होगी। अगर इसका रेट एक्सप्रेशन में देखूं तो हमें पता है केवल किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन पर, उसकी पावर क्या है 1, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन है और एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है, इसलिए हम इसे यूनिमोलिकुलर भी कहते हैं।
अब हम बात करते हैं यहां से पॉइंट नंबर सिक्स की, कि पॉइंट नंबर सिक्स क्या है। तो देखिएगा पॉइंट नंबर सिक्स क्या है। पॉइंट नंबर सिक्स है, इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। ध्यान रखना ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, अर्थात हम ऐसे बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड विल बी कन्वर्ट इन टू पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो है वो आपके पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन से क्या सेंस है, तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं इसे। ये एग्जांपल लिया मैंने, ये अल्फा और ये बीटा है और ये रिवर्सिबल साइन है, और हमने रिएजेंट जो यूज किया है वो है कंसर्टेड H2SO4। अगर यहां से रिएक्शन की मैं बात करूं तो रिएक्शन होगा, ये यहां से रिमूव हो जाएगा और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, तो इसको तो बोलेंगे हम एलिमिनेशन। ये एलिमिनेशन और E1 का एग्जांपल है, जहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होकर एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ध्यान दें, एल्कोहल से एल्कीन का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो एलिमिनेशन का एग्जांपल है, लेकिन एल्कीन पर वाटर के एडिशन से ये एडिशन रिएक्शन है, और वो भी कौन सा, EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो एल्कीन पर जब हम वाटर का एडिशन करते हैं तो रिएक्शन वापस बेक होकर किसका फॉर्मेशन करती है, एल्कोहल का। इसलिए हम बोलते हैं कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और रिवर्सिबल होने के साथ साथ में एंडोथर्मिक भी है। तो ये ध्यान दे, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी उदाहरण है। अब बात आती है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा होगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा होगी, तो उसके लिए ध्यान दें, मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आपका जो रिएक्शन होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोर होता है, उसका रीजन क्या है। तो आप देखिएगा यहां पर बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या ऑप्टेन हो रहा है, वाटर। और अगर इस बाई प्रोडक्ट को हम इजीली रिमूव कर दें तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज हो जाएगा, इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन कहां होगा, मतलब आपका रिएक्शन कहां पर होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो हमारा मेन टारगेट है कि इस वाटर को यहां से रिमूव करना कंपलसरी है। अब आप देखिएगा आपने कैटालिस्ट क्या यूज किया है, H2SO4। कंसर्टेड H2SO4 कैटालिस्ट के साथ साथ डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी काम करता है, अर्थात ये वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अगर कंसर्टेड H2SO4 इस वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज हो जाएगी, इस वजह से आपका रिएक्शन कहां पर होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ध्यान दे, रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, उसका रीजन क्या है, बिकॉज कंसर्टेड H2SO4, आपका जो कंसर्टेड H2SO4 है वो यहां पर क्या कर रहा है, तो कंसर्टेड H2SO4 यूज एज कैटलिस्ट एज वेल एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये आपके कैटालिस्ट के साथ साथ डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट से मतलब है ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, इस वजह से कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज होगी और रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ध्यान रखना, यूज एज कैटालिस्ट एज वेल एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, देयरफॉर वाटर रिमूव इजिली फ्रॉम प्रोडक्ट। इस वजह से प्रोडक्ट से आपका जो वाटर है वो इजिली रिमूव कर दिया जाता है। अब सेकेंड बात आती है कि सर ये एलिमिनेशन का ये एग्जाम्पल क्यों है, यहां पर सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हो रहा, जब इंटरमीडिएट कार्बन कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है तो सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, बट यहां पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, जबकि हमने कहा था कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन पैरेलल होता है,
और पहले इलिमिनेट, पहले सब्स्टिट्यूशन होता है उसके बाद इलिमिनेटर होता है, लेकिन यहां पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट आपका 7 नंबर है, हेयर नो SN1 रिएक्शन। यहां पर SN1 रिएक्शन नहीं होगा, उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन यह है कि जो H2SO4 है, इस H2SO4 से हमें जो ऑप्टेन होगा बेस HSO4 माइनस, उसकी बेसिक नेचर न्यूक्लियोफिलिसिटी के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, अर्थात वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है। और हमें पता है कि बेस की प्रेजेंस में एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता। तो ध्यान दे, हियर नो SN1 रिएक्शन। उसका रीजन है बिकॉज HSO4 माइनस इज अ बेटर बेस, अर्थात ये एक बेटर बेस है किसके कंपेयर में, कंपेयर टू न्यूक्लियो फिलिक। ये न्यूक्लियो फिलिक के कंपेयर में एक बेटर बेस है, और इस बेस की प्रेजेंस में यहां पर क्या हो रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो रहा। अब हम बात करते हैं यहां से एक क्वेश्चन की, कि वो क्वेश्चन क्या है। तो देखिएगा यहां से क्वेश्चन क्या है, एच आई एंड H2SO4 बोथ आर स्ट्रॉन्गर एसिड, अर्थात एच आई और H2SO4 दोनों स्ट्रॉन्गर एसिड है, बट गिव डिफरेंट प्रोडक्ट, विद एल्कोहल वाई। तो बताइएगा कि दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके बाद भी दोनों से जो प्रोडक्ट बनते हैं वो डिफरेंट है, ऐसा क्यों? तो उसके लिए देखिएगा एच आई, जब एच आई का डिसोशन करते हैं तो H+ I-, और आई माइनस का साइज क्या है, लार्जर है, तो ड्यू टू लार्जर साइज इसकी डोनर टेंडेंसी अच्छी है, इसलिए ये बेटर बेस है, बेटर न्यूक्लियोफाइल। कंपेयर टू बेस, कहने का मतलब यह है कि आयोडाइड का साइज बड़ा होने की वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ के कंपेयर में इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है, और न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है तो यहां पर कौन सा रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो यह SN1 के फेवर में। तो देखिएगा अगर मैं RO-H-alco ले रहा हूं और इसके साथ रिएक्शन करा रहा हूं एच आई की, तो यहां से SN1 रिएक्शन होगा और इसके फलस्वरूप RI एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। अब बात आती है H2SO4, इसका डिसोशन करेंगे H+ और HSO4-, यहां से ये आपका सल्फेट है, हाइड्रोजन सल्फेट। इस हाइड्रोजन सल्फेट में देखो, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो O-S(OH), यहां पर इस नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस हो रहा है, अर्थात इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी लेस है और बेसिक टेंडेंसी ज्यादा है। तो हम यहां बोलेंगे मोर बेस कंपेयर टू न्यूक्लियोफिलिक, अर्थात इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी के कंपेयर में इसकी बेसिक टेंडेंसी ज्यादा है। और बताओ अगर ये बेस है तो फिर कौन सा रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन। तो इसकी वजह से यहां पर ये E1 के फेवर में होता है। तभी तो अगर हम एल्कोहल पर H2SO4 की रिएक्शन कराते हैं तो E1 होता है, इसके फलस्वरूप एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, इसका फॉर्मेशन होगा एल्कीन का। तो ध्यान रखना अगर एल्कोहल के साथ में HI हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन करा रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन के बजाय एल्किल हैलाइड
एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा, और अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो वहां पर फिर एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर H2SO4 की बेसिक टेंडेंसी न्यूक्लियोफिलिक की कंपेयर में मोर है, और यहां पर आयोडाइड की न्यूक्लियोफिलिक टेंडेंसी बेस के कंपेयर में मोर है, इसलिए यहां पर सब्स्टिट्यूशन और यहां पर एलिमिनेशन होगा। इसको मैं एक और तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं, देखिएगा। तो देखिएगा, अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं HI और H2SO4 में से, तो HI की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब बात करते हैं इनके कॉन्जुकेटेड बेस, यहां से कॉन्जुकेटेड बेस I बनेगा और यहां से हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। अब आप देखिएगा, अगर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इससे बनने वाला बेस वीक कॉन्जुकेटेड बेस होगा, और अगर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है तो यहां से बनने वाला जो कॉन्जुकेटेड बेस है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुकेटेड बेस होगा। तो कहने का मतलब यह है कि HSO4 की बेसिक टेंडेंसी है वो I- से ज्यादा है, तो इसकी बेसिक टेंडेंसी ज्यादा होने की वजह से ये एलिमिनेशन के फेवर में होता है, जबकि ये न्यूक्लियोफिलिक के फेवर में होता है। इसलिए H2SO4 के साथ एलिमिनेशन और HI के साथ में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो देखिएगा, डिफरेंस बिटवीन एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। ये मैंने एल्कोहल लिया है, सबसे पहले एसिड की प्रेजेंस में इसका प्रोटोनेशन होगा। जैसे इसका प्रोटोनेशन होगा, ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल में कन्वर्ट होगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और इंटरमीडिएट कार्बन कैटायन का फॉर्मेशन होगा। अब अगर इस इंटरमीडिएट कार्बन कैटायन पर में I- Cl- और Br- और एक बार है HSO4-, तो इन सब के अंदर बेसिक टेंडेंसी की बजाय न्यूक्लियोफिलिक नेचर बेटर होती है, जबकि HSO4- में इसकी बेसिक नेचर मोर डोमिनेंट है। इस वजह से यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, और जबकि यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। यहां पर एलिमिनेशन होने से एल्किन का फॉर्मेशन होगा, और यहां पर सब्स्टिट्यूशन होने से हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, रेजियो सेलेक्टिविटी। रेजियो सेलेक्टिविटी में अगर हम बात करें तो यहां पर जो भी आपका प्रोडक्ट होगा अकॉर्डिंग टू सेट जेप होगा, अर्थात आपका जो भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो सेट जेप के अकॉर्डिंग होगा। कौन से रूल के अकॉर्डिंग होगा? सेट जेप रूल के अकॉर्डिंग होगा। हाँ, कुछ रिएजेंट को छोड़ दीजिएगा, जैसे भी हमने कहा था POCl3, एक आप POCl3 में ध्यान रखें, POCl3 के केस में आप मान आपका जो रूल है वो अप्लाई होगा, बाकी मोस्टली में आपके सेट जेप रूल का ही मतलब रूल अप्लाई होगा। क्या है सेट जेप रूल? सेट जेप रूल कहता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट के रूप में आपका फॉर्मेशन है, अर्थात आपके पास उस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा जो कि मोर सब्स्टिट्यूटेड है। तो ध्यान रखना, यहां पर आपके रेजियो सेलेक्टिविटी में सेट जेप रूल है और POCl3 की प्रेजेंस में हाफ मान रूल है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट ग्राफ की। तो देखिएगा, इसका नेक्स्ट पॉइंट ग्राफ, अगर हम ग्राफ में बात करें तो देखिएगा, अभी हमने एल्कोहल यूज किया था, सबसे पहले इसका प्रोटोनेशन किया, प्रोटोनेटेड एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ, फिर उससे आपके पास इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइड,
तो सबसे पहले प्रोटोनेटेड अल्कोहल, फिर इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन, इसके बीच में यहां पर भी ट्रांसिशन स्टेट फर्स्ट, यहां पर इनके बीच में ट्रांसिशन स्टेट सेकेंड, और इंटरमीडिएट से आपके लास्ट में क्या बना, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्या बना, एल्कीन। तो यहां पर आपका ट्रांसिशन स्टेट थर्ड, तो इसका मतलब आपके दो इंटरमीडिएट और तीन ट्रांसिशन स्टेट वाला ग्राफ होगा। तो देखिएगा इसके लिए एनर्जी लेवल डायग्राम, ये एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, ये आपका रिएक्टेंट है, अल्कोहल, यहां से रिएक्शन होगा, ये आपका ट्रांसिशन स्टेट फर्स्ट, ये आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल, उसके बाद में ट्रांसिजन स्टेट सेकेंड, ये ट्रांसिजन स्टेट सेकेंड है, ट्रांसिजन स्टेट सेकेंड से आपका इंटरमीडिएट बनेगा, ये इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन है, इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन से ट्रांसिजन स्टेट थर्ड के वाया प्रोडक्ट अर्थात एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये इसके लिए एनर्जी लेवल डायग्राम है। तो ध्यान रखना, थ्री ट्रांसिशन स्टेट और टू इंटरमीडिएट वाला एनर्जी डायग्राम होगा। इसमें आप देखिएगा फर्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी ये हो गया EA1, सेकेंड एक्टिवेशन एनर्जी आपका ये हो गया EA2, और थर्ड एक्टिवेशन एनर्जी ये हो गया EA3। यहां पर आपके पास EA2 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर होगी EA1 से और EA3 से। तो इन आरडीएस, अगर हम आरडीएस की में बात करें रेट डिटरमाइन स्टेप में, तो वहां पर आपके E2 स्टेप की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो 1 और 3 के कंपेयर में क्या होगी, मोर होगी। अब हम यहां पर एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करेंगे एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन में, अर्थात एक ऐसी रिएक्शन जहां पर रिअरेंजमेंट होता है, तो वहां पर टू प्रोडक्ट के फॉर्मेशन होंगे, उन प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए आपका एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होगा, तो देखिएगा उसके लिए अब हम बात करते हैं। तो देखिएगा एक रिअरेंजमेंट का एग्जांपल मैं आपको सोल्व कराकर उसके ग्राफ की बात करेंगे हम। ये लिया मैंने 1-ब्यूटेनॉल, इस पर रिएक्शन कराएंगे हम कंसेंट्रेटेड H2SO4। तो सबसे पहले होगा प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन, इंटरमीडिएट, और वो भी 1 डिग्री कार्ब कैटाइन। इस वजह से यहां रीअरेंजमेंट होगा 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होकर यहां चला जाएगा और आपके 2 डिग्री कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन होगा। और जैसे 2 डिग्री कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन होगा, तो यहां पर आपके 2 टाइप के एल्किन का फॉर्मेशन होगा, एक ये β1 है और ये β2 है। अगर β2 से बनाते हैं तो ये बनेगा जो कि मेजर है, 80% पार्ट होगा, और कौन से रूल के अकॉर्डिंग होगा, सेतजेब रूल के अकॉर्डिंग होगा। और अगर हम β1 से बनाते हैं तो β1 से आउटर साइड पे बनेगा, ये माइनर है, 20% होगा और हाफ मान रूल के अकॉर्डिंग होगा। अगर मैं इसका एनर्जी लेवल डायग्राम देखूं तो वही सिमिलर एनर्जी लेवल डायग्राम होगा, ये अल्कोहल, ये ट्रांसिशन स्टेट फर्स्ट, ये कार्ब कैटाइन। बस ध्यान दे यहां से दो ग्राफ होंगे, उनमें से ध्यान दे ये ट्रांसिशन स्टेट फर्स्ट, ट्रांसिशन स्टेट सेकेंड, ट्रांसिशन स्टेट थर्ड, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, इंटरमीडिएट, और ये होंगे आपके प्रोडक्ट। अब ध्यान दे जिसका ये एनर्जी है
तो जो अप वाला ग्राफ है इसकी एनर्जी ज्यादा है, हाई एनर्जी है, और हमें पता है जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी लेस होती है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या है, लेस है। और जो नीचे की तब आपका ग्राफ है इसकी एनर्जी लो है, ये लो एनर्जी का है। अगर इसकी एनर्जी लो है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, मोर होगी, तो ये क्या है, मोर स्टेबल है। तो ध्यान दे जिन रिएक्शन के अंदर आपके रीअरेंजमेंट हो रहा है या जहां पर दो टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हैं उनमें आपके ग्राफ में भी लार्ज के प्रोडक्ट में टू लाइन ऑब्टेन होगी। जो लाइन हाई एनर्जी वाली है उसकी स्टेबिलिटी लेस होगी, और जो लाइन लो एनर्जी वाली है उसकी स्टेबिलिटी मोर होगी। ऐसा एक और मैं एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले क्या हुआ, प्रोटोनेशन, यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, ये कार्बन कैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, 2 डिग्री है, इसके नेक्स्ट वाला कार्बन 3 डिग्री है, तो यहां से रीअरेंजमेंट हो जाएगा और 3 डिग्री कार्बन कैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आप देखो इस 3 डिग्री कार्बन कैटायन से 2 एल्किन का फॉर्मेशन होगा, यहां से एक एल्किन ये होगी जो कि माइनर है, और एक एल्किन ये होगी जो कि मेजर है। ये वाली एल्किन 80% होगी, ये वाली एल्किन 20% होगी, ये वाली एल्किन क्षेत्र जेब के अकॉर्डिंग होगी क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ये वाली आपकी एल्किन हाफ मान के अकॉर्डिंग है क्योंकि लेस सब्स्टिट्यूटेड है। इस वाली के लिए अगर मैं ग्राफ में देखूं तो ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ये किसको रिप्रेजेंट करता है, माइनर वाली को, और ये वाली किसको रिप्रेजेंट करता है, मेजर को। तो ध्यान रखना ये वाला है मेजर के लिए और ये वाला है माइनर के लिए। इसी के साथ ये डिहाइड्रेशन ऑफ एल्काइल के जितने भी की पॉइंट्स है वो कंप्लीट होते हैं, अर्थात इसका बेसिक जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहां से इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, रिएक्टिविटी ऑर्डर और इसके कुछ सेलेक्टेड एग्जाम्पल। ठीक है।